आर सेड टू बी इन सीरीज इफ द सेम करंट पासेस थ्रू ऑल द रेजिस्टर. अगर सेम करंट सारे रेजिस्टर्स के थ्रू पास कर रहा है देन टू और मोर रेजिस्टर्स आर सेड टू बी इन सीरीज. दो से ज्यादा रेजिस्टर है ना विल बी बेसिकली कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड होंगे इफ सेम करंट पासेस थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स. अगर सेम करंट सारे रेजिस्टर्स में पास करे, ठीक है ना, जैसे कि इस केस में है ना ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सेम करंट पास कर रहा है सारे रेजिस्टर्स, ठीक है ना, तो बेसिकली किरचॉफ्स लूप लॉ अगर लगाएंगे यहाँ पे, है ना. अच्छा फिर उसके बाद क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इसका, इसका यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा अगर सारे के सारे रेजिस्टर्स इन प्लेस ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स, इन प्लेस ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स सेम बैटरी के साथ है ना, जो हम सारा इतना सारा रेजिस्टर लगा रहे हैं, अगर इतना सारा रेजिस्टर्स नहीं यूज करके सेम बैटरी के साथ, अगर इतना सारा रेजिस्टर्स को नहीं यूज करके हम सेम बैटरी के साथ है ना रेजिस्टेंस आर सेम रेजिस्टेंस में कनेक्ट कर लें, है ना विद करंट आई, सेम रेजिस्टेंस में अगर हम कनेक्ट कर लें विद करंट आई इन द सर्किट, ठीक है ना, नहीं मतलब एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर लें, सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस यूज करेंगे ना, इन प्लेस ऑफ यूजिंग ऑल थ्री रेजिस्टेंसेस है ना, तीन अलग अलग रेजिस्टेंस यूज नहीं करके अगर हम सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस यूज करें, ताकि है ना इस सेल में, ठीक है ना, सेम करंट सेम सेल के साथ सेम करंट आ जाए सर्किट में, ताकि सेम करंट के साथ सेम सेल के साथ सेम करंट आ जाए सर्किट में, ठीक है ना. पहले वाले सर्किट में कितना करंट था आई, सेल का पोटेंशियल क्या था वी, है ना, अभी भी हम क्या यूज कर रहे हैं, सेम वी यूज कर रहे हैं, है ना, और करंट कितना आ रहा है, वही आई आ रहा है. अगर सेम करंट सेम पोटेंशियल सेम सेल के लिए अगर सेम करंट आ गया, तो फिर ये जो सिंगल रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया है, ये सिंगल रेजिस्टेंस है ना, ये पिछले वाले जो तीन रेजिस्टेंस है इसका इक्विवेलेंट कहलाता है, ठीक है ना, समझ में आया बच्चों. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है कि अगर हमने तीन अलग अलग रेजिस्टेंस नहीं यूज करके तीन के जगह सिर्फ हमने एक ही रेजिस्टेंस यूज किया, ताकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस वी के लिए सेम करंट आई आ रहा है सर्किट में, तब ये जो सिंगल रेजिस्टर का मतलब इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो उसको बोला जाता है सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. समझ में आया बच्चों? यस सर. तो इस केस में क्या होगा कि हम बोलेंगे कि हाँ वी मतलब पहले वाले सर्किट में मैं क्या बोलूंगा, किरचॉफ्स लॉ अगर यूज कर लेंगे क्लोज लूप में, अगर मान लो मैं ए पॉइंट से जा रहा हूँ, ए पॉइंट से मैं क्लॉकवाइज मूव करूंगा तो मैं बैटरी के अगेंस्ट जा रहा हूँ, नेगेटिव टू टर्मिनल पॉजिटिव जा रहा हूँ, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहा हूँ, तो है ना मेरा पोटेंशियल यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है बैटरी के अक्रॉस, पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज कर रहा है प्लस वी, फिर माइनस, है ना, आर वन के थ्रू जा रहा हूँ तो आर वन के थ्रू क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है माइनस आई आर वन, फिर आर टू के थ्रू भी पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है माइनस आई आर टू, फिर आर थ्री के थ्रू भी पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है माइनस आई आर थ्री इक्वल टू जीरो, है ना. तो इसका ये मतलब हुआ इम्प्लाइज वी इक्वल टू आई होल इनटू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, है ना. तो इम्प्लाइज, ठीक है ना, V by I कितना आ रहा है, that is equal to R1 plus R2 plus R3, इतना आ रहा है. अब ये जो सेकेंड सर्किट है ना, मान लो ये वाला सर्किट जो है वो इक्विवेलेंट सर्किट है,
यहां तक समझ में आया बच्चों? मैंने पहले वाले सर्किट में क्या किया, किरचॉफ्स का लूप लॉ यूज कर लिया है ना, पॉइंट ए से जा रहा हूं। हमने अभी किरचॉफ्स लूप लॉ क्या पढ़ा था, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो। मैं ए से जा रहा हूं प्लस की, फिर आर वन के अक्रॉस माइनस आई आर वन पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि आर वन के अक्रॉस जो करंट है, करंट के डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, करंट है ना, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करता है, करंट हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल मूव करता है। जब हम आर वन के अक्रॉस जा रहे हैं करंट के डायरेक्शन में तो पोटेंशियल डिक्रीज किया, आर टू के अक्रॉस जा रहे हैं तब भी पोटेंशियल डिक्रीज किया, फिर माइनस आई आर टू लिया, आर थ्री के अक्रॉस जा रहे हैं तो पोटेंशियल फिर से डिक्रीज किया, वापस आ गए पॉइंट ए में, तो टोटल सम कितना होगा, इक्वल टू जीरो होगा। किरचॉफ्स लूप लॉ यूज किया, किरचॉफ्स लूप लॉ यूज किया है ना, फिर से हम क्या करेंगे अभी, किरचॉफ्स लूप लॉ सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट में यूज करेंगे, अगेन अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप लॉ, किरचॉफ्स लूप लॉ है ना, कहां पे अप्लाई करेंगे, इन इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट में जब हम किरचॉफ्स लूप लॉ अप्लाई करेंगे है ना, इक्विवेलेंट सर्किट है ना, वी गेट, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, वी गेट है ना, वी अगेन मैं पॉइंट ए से स्टार्ट करूंगा, यहाँ से प्लस वी ए है ना, क्लॉकवाइज जाऊंगा तो प्लस वी, बैटरी के अक्रॉस क्लॉकवाइज जा रहा हूँ तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा हूँ तो पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, फिर रजिस्टर के अक्रॉस जा रहा हूँ तो करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, तो माइनस आई आर, वापस आ गया मैं कहाँ पे, पॉइंट ए में, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, के वी इज इक्वल टू आई आर हो रहा है, इम्प्लाइज वी इज इक्वल टू आई आर, इम्प्लाइज वी बाय आई इज इक्वल टू आर। बच्चों समझ में आ रहा है तुमको, बच्चों यहां तक समझ में आया? यस सर। अरे आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है समझ में तो पूछो, अगर yes, नहीं आ रहा है समझ में तो यस सर समझ आ रहा है सर। ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है ना, सबको समझ में आ रहा है ना, लड़कियों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके ठीक है ना, तो पहला इक्वेशन में क्या था, इक्वेशन वन में वी बाय आई कितना आ रहा है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, दूसरे इक्वेशन में वी बाय आई कितना आ रहा है, आर आ रहा है, वी बाय आई का वैल्यू कितना आया, आर, ठीक है ना, तो फिर आई गेट हियर इंप्लाइज आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो हमें मिला क्या यहाँ पे, हमें ये मिला यहाँ पे कि आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। समझ में आया ना बच्चों? यस सर। इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ना, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, सम ऑफ रेजिस्टेंसेस, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, आर इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, जितना भी रेजिस्टेंस होगा, अगर चार रेजिस्टेंस है तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर पांच अलग रेजिस्टेंसेस है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर प्लस आर फाइव, एंड इफ देयर विल बी लाइक लेट्स से देयर विल बी लाइक एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस देन व्हाट विल बी द नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट विल बी आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर प्लस सो ऑन टिल आर एन, है ना, क्लियर है? यस सर क्लियर है। नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसके बाद क्या है,
पैरेलल कॉम्बिनेशन जिस तुम लोगों ने कैपेसिटर्स में पढ़ा है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा कि अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में सेम है, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, करंट टोटल आई है, करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे कुछ आएगा करंट आई थ्री, यहाँ पे कुछ करंट आएगा आई टू, यहाँ पे कुछ करंट जाएगा आई वन, है ना। रेजिस्टेंस ये आर वन है, ये रेजिस्टेंस आर टू है, ये रेजिस्टेंस आर थ्री है, मान लो ये पॉइंट P है, ये N है, ठीक है ना। यहां से यहां तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पॉइंट से ये ऊपर तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर का हम रेजिस्टेंस जीरो लेते हैं, यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो इस पॉइंट से ये ऊपर वाले पॉइंट तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा ना। तो ये वाला पॉइंट भी N हो गया, समझ में आ रहा है ना बच्चों, समझ में आ रहा है। yes, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, है ना। तो एक पॉइंट n है तो दूसरा वाला भी n हो जाएगा, फिर उसके ऊपर वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसको भी मैं n मान सकता हूँ। यस सर, क्योंकि है ना, बेसिकली क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक, बेसिकली क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, फिर यहाँ से फिर ऊपर वाले पॉइंट तक, वहां पे भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, वहां पे भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, तो ये भी हो गया n, है कि नहीं, समझ में आया। तो ये पॉइंट p है, तो उस तरह से ये पॉइंट p होगा, ये पॉइंट भी p होगा, ये पॉइंट भी P होगा, समझ में आ रहा है ना बच्चों। यस सर, तो यहां पे हो क्या रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी क्या होगा, VP माइनस VN। अगर मान लो मैं ये मानता हूं VP क्या है, लेट पोटेंशियल ऑफ पी एंड एन, लेट विकु भाई, समझ में आ रहा ना। यस सर, सुन रहे हो ना अच्छे से। यस सर, सुन रहे हैं। लेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट है ना पी एंड एन बी वी पी एंड वी एन रेस्पेक्टिवली। मान लो कि P और N में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है P और N के बीच में, वो VP और VN है ना। लेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P एंड N बी VP एंड VN रेस्पेक्टिवली, है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी इज V इक्वल टू VP माइनस VN। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी, बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V is equal to VP minus VN, है कि नहीं। फिर potential difference across है ना resistor R1,
R1 रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ओम्स लॉ यूज करो, करंट कितना है I1, रेजिस्टेंस कितना R1, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? I1 R1. Yes sir. तो I1 R1 भी वही हो जाएगा ना, Vp minus Vn. Yes sir. P और N के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना? तो सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर R2 वो क्या होना चाहिए? ओम्स लॉ यूज करो, R2 रजिस्टर है, करंट कितना I2, तो I2 R2 वो भी होगा ना Vp माइनस Vn, ठीक है ना? फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस. फिर उसके बाद क्या आएगा? R3. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3. यस सर. आई थ्री आर रजिस्टर R3. R3 R3 कितना होगा? Vp माइनस Vn. तो फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका मतलब क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना पोटेंशियल डिफरेंस सारे रेजिस्टर के अक्रॉस सेम होता है. यस सर. मतलब R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस Vn, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस Vn, R3 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस Vn, है कि नहीं? यस सर. समझ में आया ना? ओके. तो बेसिकली क्या हो रहा है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह पर सेम हो रहा है, हर रेजिस्टर के अक्रॉस, है ना? तो फिर इसका डेफिनेशन क्या होगा? टू और मोर रेजिस्टर्स. बच्चों समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? Yes, sir. Two or more resistors are said to be in parallel. उसे ज्यादा resistor parallel में तभी होंगे if the same potential difference exists across all the resistors. Yes, sir. If the same potential difference exists across all the resistors, तो उनके across अगर same potential difference exist करता तब दो से ज्यादा resistor जो है वो होते parallel में, है ना? ठीक है ना? अगर कोई भी अगर दो से ज्यादा रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तब हम बोल सकते हैं कि वो सारे रेजिस्टर जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है ना? अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए क्या होना चाहिए? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए अभी तीनों को रिप्लेस करके हम एक ही रेजिस्टर कनेक्ट करेंगे. यस सर. तीनों को रिप्लेस करके अभी हम एक ही रेजिस्टर यूज करेंगे सो दैट फॉर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी वी गेट द सेम करंट इन द सर्किट. फॉर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इन द बैटरी वी गेट सेम करंट इन द सर्किट, है ना? समझ में आया ना? ठीक है. तो मान लो अब तो उस केस में ये जो R का जो वैल्यू है वो हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए पहले तो हम KCL यूज कर सकते हैं लोड P में, है ना? कैसे KCL हम यूज करेंगे? हाउ वी कैन यूज KCL एट नोड P. KCL यूज करके हम बोल सकते हैं ना ये जो करंट I है वो डिवाइड हो रहा है I1 I2 और I3 में. टोटल करंट तो I था लेकिन वो डिवाइड हो रहा है तीनों रजिस्टर में, ब्रांच में, तीनों ब्रांच में डिवाइड हो रहा है कि नहीं करंट? तो हम बोल सकते हैं I is equal to I1 plus I2 plus I3, है ना? ये हम बोल सकते हैं
ये इक्वेशन वन है ना, यूजिंग किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, किरचॉफ का जंक्शन लॉ यूज करके हम ये बात बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब हमें ये पता है, हमें पहले से ये पता है कि तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, समझ में ना। तो हमें पता है कि नाउ I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 इज इक्वल टू I3 R3, पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का क्या सेम है, विच इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। ये हमने ऑलरेडी ये कंक्लूजन हमने ऑलरेडी लिया है, Vp माइनस Vn, Vp माइनस Vn I3 R3, Vp माइनस Vn I2 R2, Vp माइनस Vn I1 R1, Vp माइनस Vn V, है कि नहीं। Yes, और इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो I3 R3 भी है, वो I2 R2 भी है, वो I1 R1 भी है, और वो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी है। Yes, तो ये हमने कंक्लूजन ऑलरेडी ले लिया है, है ना। तो इम्प्लाइज हम ये बोल सकते हैं ना, इम्प्लाइज I1 is equal to V by R1, तो I2 क्या होगा V by R2, I3 क्या होगा V by R3, समझ में आया ना, ठीक है। Now for ये मान लो हमारा equivalent circuit है, for equivalent circuit, इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर है। हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट है, सर्किट अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप लॉ, है ना। अच्छा, तो मान लो ये टू है, ये मान लो थ्री है, ये मान लो फोर है, ठीक है ना। तो अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप लॉ, इक्विवेलेंट सर्किट में अगर हम किरचॉफ्स लूप लॉ यूज करेंगे, अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप लॉ हमें मिलेगा क्या, वी गेट वी माइनस आई आर इक्वल टू जीरो, इंप्लाइज आई कितना आ रहा है, आई इज इक्वल टू वी बाय आर। I का वैल्यू क्या मिल रहा मुझे, I इज इक्वल टू V बाय R, है ना। तो मान लो ये हो गया इक्वेशन 5, तो फिर मान लो हम इक्वेशन 1 2 3 4 5 तीनों की यूज कर लेंगे, पांचों का ना, यूजिंग है ना 2 3 4 एंड 5 इन 1 वी गेट, तो इक्वेशन टू का वैल्यू, इक्वेशन थ्री का वैल्यू, इक्वेशन फोर का वैल्यू, इक्वेशन फाइव का वैल्यू इक्वेशन वन में यूज करो। इक्वेशन वन में आई के जगह इक्वेशन फाइव का आई का वैल्यू पुट करो, वी बाय आर है, आई के जगह पुट करेंगे वी बाय आर, दैट इज इक्वल टू आई वन के जगह पुट कर सकते हैं वी बाय आर वन, फिर आई टू के जगह क्या पुट कर सकते हैं वी बाय आर टू, और फिर आई थ्री के जगह क्या पुट कर सकते हैं वी बाय आर थ्री, है ना। सो इंप्लाइज आई एम गेटिंग 1 बाय आर इक्वल टू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर थ्री, है ना। तो ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। सो दिस हियर वी गेट दिस एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर्मूला इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. ये क्लियर है? क्लियर है ना? Yes, है ना बच्चों? क्लियर? Yes, sir. Okay, तो आज का क्लास यहाँ पे ओवर है ना? प्लीज